स्वागत है। तो सर जी, आज का मेरा टॉपिक है कि HDFC बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के चार्जेस को इंक्रीज किया है। तो कैसे इंक्रीज किया है, किस किस प्लेटफॉर्म पे आप यूज करेंगे क्रेडिट कार्ड के लिमिट को इंक्रीज किया है, मतलब कैसे चार्जेस व्यू अब आपको लगने वाला हूँ, तो लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ सर जी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, इसमें पूरी जानकारी दी जाएगी। चार्ज जैसे लिखेंगे क्रेडिट कार्ड इंक्रीज चार्ज HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड इंक्रीज चार्ज, तो फीस एंड चार्ज इंक्रीज क्रेडिट कार्ड फॉर स्पेशल फॉर इंक्रीज क्रेडिट लिमिट, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा ही इसके समय के बाद आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसमें आपको देख सकते हैं कुछ व्यू अप चार्जे के लिए आपको दिखा रहा है। रीड है दी टिप्स एंड क्रेडिट कार्ड लिमिट, व्हाट इज लिमिट इंक्रीज हाई लिमिट क्रेडिट कार्ड, तो हाउ टू फाइंड आउट फ्रॉम लिमिट इंक्रीज नो एक्सचेंज मैनेज मल्टीपल क्रेडिट कार्ड। सर जी चलिए, HDFC बैंक मेंट सब्जेक्ट अपडेट रिगार्डिंग टर्म एंड कंडीशन है जो आपको HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से है सर जी, कि यदि आप क्रेड और पेटीएम चेक मोबीक्यू का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा यदि 3000 रुपये का स्पेंड करते हैं, तो साफ सुथरा इसमें लिख दिया गया है। उसके बाद चलिए आगे पढ़ते हैं, न्यू रुपए क्रेडिट कार्ड रूल न्यू क्वाइन और UPI ट्रांजैक्शन। उसके बाद इसमें कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड स्पेंड लेस दी 15000 पर ट्रांजैक्शन फ्यूल एडिशनल फी चार्ज, कहने का साफ सुथरा मतलब 15000 तक आप फ्यूल डलवाते हैं, फ्यूल व्यूअप चार्ज का बात नहीं है फ्यूल, तो उसमें आपको एडिशनल फी चार्ज देना पड़ेगा जो काफ़ी क्रेडिट कार्ड के लिए यूजर के लिए बुरा नुकसान होगा। जो 15000 के लिए फ्यूल डलवाएंगे तो आपको चार्ज देना पड़ेगा, वो भी चार्ज कितना का आएगा तो 1% ट्रांजेक्शन अमाउंट ट्रांजेक्शन फ्यूल के 1% पर आएगा जो आपको चार्ज देना ही हाल में होगा। उसके बाद बिजनेस कार्ड क्या बात किया जाए तो इसमें 30000 ट्रांजेक्शन फ्यूल एडिशनल फी चार्ज बेवियर, यदि आप 30000 तक फ्यूल बेवियर चार्ज डलवाते हैं तो आपको 1% का फी लगेगा, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है इसमें। यूटिलिटी ट्रांजैक्शन कंज्यूमर कार्ड इज स्पेंड लेंदी 50000 पर ट्रांजैक्शन यूटिलिटी एडिशनल फी चार्ज बेवियर योर स्पेंड 50000 पर ट्रांजैक्शन 1%। ये कह रहे साफ सुथरा कह रहा है कि सर जी यदि आप यूटिलिटी बिल करते हैं तो आपको 1% का भी चार्ज देना पड़ेगा जब 3000 से ओवर जाते हैं, तो इसमें आपको चार्ज देना ही होगा हर हाल में। उसके बाद बिजनेस कार्ड स्पेंड दिन 75000 ट्रांजेक्शन यूटिलिटी एडिशनल चार्ज बेवियर 75000 पर ट्रांजेक्शन 1% फी बिल भी चार्ज एंटर अमाउंट कैप 3000 पर ट्रांजेक्शन, 3000 पर ट्रांजेक्शन के जोड़कर 1% का चार्ज लिया जाएगा HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के बिहाफ पर, तो इसमें पारी बहुत बड़ा नुकसान का सामना पड़ा। देख सकते हैं 1000 यदि आउटस्टैंडिंग अमाउंट लेट पेमेंट करते हैं आपको तो 100 रुपये का चार्ज जो है नील है, उसके बाद 1 रुपये 500 डिवाइड चार्ज 100 रुपये है और 500 से 1000 चार्ज है तो 5500 रुपये है। इसमें आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमेशा पे करना ही पड़ेगा क्योंकि चार्ज लग रहा है, 10000 से 25000 के बीच आपका अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा तो 900 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा आपको, तो काफ़ी बुरा खबर है। आप कोई भी चार्ज HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड का फुल पेमेंट करेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा सर जी। फिर नया वीडियो मिलता है एक न्यू टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।